हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि कल शाम में हमारी ट्रेन थी हैदराबाद से बैंगलोर के लिए, और अभी मैं बैंगलोर पहुँच चुका हूँ। फिलहाल मैं हूँ गंदे से रूम में। फिलहाल हम हैं अपूर्व के हॉस्टल में, और मेरे को बिल्कुल नॉस्टैल्जिया की, बिकॉज सुबह से मैं यहाँ पे रुका हुआ था ना। अभी तो हम रेडी वगैरह हो गए, बट प्रॉपर हॉस्टल वाली लाइफ मैंने इन्जॉय करी। एक साल पहले मैं जब अपने हॉस्टल में था तो मुझे इस तरह की वाइब आती थी। मतलब ये जो हॉस्टल की, मतलब जो रहने का तरीका होता है बैचलर्स का, वो तो आपको पता ही है। तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा अपूर्व के साथ। और जज मत करना गाइस भाई, मेरे बहुत सारे लड़के हैं, लौंडे हैं, जो हॉस्टल में रह चुके हैं या रहने वाले हैं, तो वो रिलेट कर पाए। एक चीज़ दिखाऊं मैं? क्या? मेरे घड़ी में बैटरी नहीं है, बस फालतू का घड़ी बन के चल रहा है। ये थी मेरी कॉमिक टाइमिंग, सॉरी। पता है, मैं व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अपूर्व को बोलता हूँ, अपूर्व जब मैं इस वाले लाइन पे आऊँगा ना, तो तू कुछ तो रिएक्ट कर देना, बिकॉज थोड़ा इंगेजमेंट लगेगा और ये इस तरह की बातें करता है। तो अभी आप समझ लो मेरे लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, पर्टिकुलरली एडिटिंग। बाकी कितना टाइम लगेगा भाई इधर से? अभी हम लोग को लगेगा 1 घंटा और, क्योंकि हम लोग को अभी सोनल को पिक करना है। तो तुम एक काम करो, सोनल को कॉल कर लो। कॉल करना, बोले थे ना तेरे को कॉल कर। तो अभी 2 दिन के बीच में हमारी छुट्टी, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे आ जाते हैं। अब क्योंकि हम बैंगलोर आए हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 2 चेहरे, अपूर्व और सोनल। फिलहाल मेरे साथ अपूर्व, हम निकल चुके हैं अभी सोनल को पिक करने के लिए उसके घर से, और उसके बाद हम निकलेंगे स्नो सिटी के लिए। स्नो सिटी का आइडिया अपूर्व ने मुझे दिया। उसने बोला कि यार वो उस जगह के बारे में उसने काफ़ी सुना है, इसके हॉस्टल के लड़के वहाँ पे गए थे। आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो थोड़े बच्चों वाली जगह लग रही थी मुझे, जितना मैंने वीडियोज़ वगैरह देखा। बट स्टिल लेट्स सी कैसा है क्या है। बाकी हम तीनों रहने वाले हैं वहाँ पे, मैं सोनल अपूर्व, तो मज़ा ऑब्वियसली आने वाला है। बाकी -5 डिग्री की वहाँ पे टेम्परेचर रहती है, तो थोड़ा सा मतलब मुझे एक्साइटमेंट हो रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद आ रही हूँ आकाश के ब्लॉग में, आई गेस वंडरला के बाद। थैंक यू मैडम, यू वेलकम फॉर फीचरिंग इन माय ब्लॉग। यू वेलकम। 500 गूगल पे कर दीजिएगा, 500 ही, ज़्यादा नहीं चार्ज। चलो ठीक है, तुम्हारे कैब के पैसे हमें दे रहे, आगे बोलो। सो अभी हम लोग जा रहे हैं स्नो सिटी, और हम लोगों ने प्लान किया वो जो 10:30 वाला स्लॉट है वो वाला हम लोग कैच कर पाए। और मतलब मैंने पर्सनली कभी स्नो एक्सपीरियंस किया नहीं है, सो इट इज़ गोना बी अ फन व्लॉग फॉर श्योर। आगे व्लॉग जरूर से देखना, इतने टाइम के बाद मैं आ रही हूँ व्लॉग में, तो ऐसा व्लॉग आते मैं नहीं छोड़ती। क्या की फेल? 500 के बच गए, 5.52 हो गया, बढ़ गए। सर चाय पी के आते पहले। हेलो जी, तो हम पहुंच चुके हैं स्नो सिटी के बिल्कुल सामने। तो अभी हम वहाँ पे गए थे, गेट अभी तक ओपन नहीं हुई, बिकॉज 10 बजे ही टिकट काउंटर खुलते हैं। तो हम यहाँ पे आ गए एक चाय की शॉप में, और बाकी ऐसा है कि हमने पहली स्लॉट पकड़ने का डिसाइड किया था, तो उसके लिए हम बिल्कुल टाइम पे, तो जो हमने भागा भाई की वो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव साबित हुई। काम करी, रीजन भी तो बता दे, पहली स्लॉट क्यों पकड़नी है फिर से? हाँ ठीक है, याद है मेरे को। सुन, एक तो पहली बात कि हम बहुत ज़्यादा अभी खुश है, क्योंकि मेरा तुरंत तुरंत रिजल्ट निकला है, और मेरे को हम पास हो जाएगा, पहले पास हो गया है, अभी तक डाउट है इनको, अभी तक डाउट है, मतलब पास हो गया। दूसरी ये चीज़, हम लोग 1/2 घंटे जल्दी आ गए। रीज़न आने का जल्दी ये था कि हमने सोचा था कि हम लोग यहाँ पे ब्लॉक करेंगे, तो रीज़न आने का जल्दी ये था। अबे जाओ भाई, आप तो हमारे जल्दी आने का रीज़न ये था हम। अब तो क्या बीच में फ्लोर तोड़ दिया, अभी याद भी नहीं आ रहा क्या बोले थे हम, एक तो इतना मुश्किल से बोले थे। सो वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ द स्नो सिटी, जस्ट वेटिंग फॉर द टिकट काउंटर टू गेट ओपन। अभी ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, 10-15 की स्लॉट है, बट अभी तक पता नहीं क्यों यहाँ पे सन्नाटा है पूरा। सुस्त है लोग यहाँ, बहुत ज़्यादा सुस्ती छाई हुई है। बाकी और हमें तो लगा था कि हम लोग सिर्फ अकेले होने वाले हैं, बट जैसे ही हम लोगों ने एंट्री किया, वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब 3 लोग सिर्फ, 3 लोग भर में कूदे नहीं, मतलब जितने हमने वीडियोस वगैरह देखे थे ना उसमें हमें थोड़ा क्राउड दिख रहा था, बट अभी ऐसा क्राउड नहीं है। एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन क्यों हमने सुबह आने का डिसाइड किया, क्योंकि इस समय पे ना लोग कम होंगे और हम अच्छे से व्लॉग कर पाएंगे। ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है ना, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस आ ही जाता है, और सही तरीके से साउंड भी तो आता है ना बैकग्राउंड से जो। एग्जैक्टली वही चीज़ मैं कह रहा था कि सबको अवॉइड करने के लिए हमने सुबह का स्लॉट लिया था। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की। हम लोग कितने बजे से उठे हुए? 7 बजे से। 7 बजे से जिंदगी पहली बार उठे हैं। 7 बजे उठे हम? 7:30 बजे उठे हम। क्यों 7 बजे उठे? तुम लोग को आने में भी आने में टाइम लगा, पहले तुमको लेने गए तो इस वजह से। एग्जैक्टली। सो अभी आकाश और अपूर्व गए हैं टिकट लेने के लिए, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ कि यार मुझे पर्सनली ये चीज़ लग रहा है ना, यहाँ का टिकट का प्राइस थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि सिर्फ टिकट ही है 650 की, एंड अदर देन दैट अगर आप मोबाइल कैरी कर रहे हो, जो कि सारे लोग करते ही है पिक्चर्स और छोटा मोटा वीडियोस बनाने के लिए, तो उसके लिए अलग से 50 रुपीज़, लॉकर के लिए फिर अलग से 50 रुपीज़, और कैमरा जैसे कि हम लोग कैरी कर रहे थे उसके लिए वी हैव टू पे 50 रुपीज़ अगेन। हमने टिकट्स ले लिया और सॉक्स भी हमने ले लिया। सोनल ने सॉक्स कैरी किया था तो उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ी, बट सॉक्स आर मैंडेटरी बिकॉज अंदर जाने के बाद स्नो में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी करेंटली वी आर इन
इनसाइड दिस लॉकर रूम, और अभी हमने एक लॉकर ले लिया, बाकी बैग्स वगैरह सब कुछ हम यहाँ रखने वाले हैं और उसके अंदर जाएंगे। 5 मिनट का टाइम है हमारे पास, तो अभी अंदर चलते हैं और मजे करते हैं ना। बाकी आर यू फीलिंग एक्साइटेड? पहली बार वो स्नो एक्सपीरियंस। चलो अपना सा तू लगा कैसे मैं करूं बयां तुमसे, ये जुनून है या गुमान ऐसे मुझ तुम उंगली की तरह इसमें। भाई देखो यहाँ पे करेंटली अभी हमें ना, ओ भाई यहाँ पे ठंड फील होना स्टार्ट हो गया यार। हाँ फील्स गुड। ओके अबाउट टू एक्सपीरियंस द स्नो, और आपको भी हम दिखाते हैं। यार म्यूजिक वगैरह बज रही है तो आई होप मेरी आवाज आए। ओ भाई साहब लुक एट दिस प्लेस यार। ओ भाई ये क्रेजी है यार, काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लग रहा है यार। स्नो पे वॉक करने में भी जो मज़ा आ रहा है ना वो बहुत अलग लेवल का है। बाकी यहाँ पे म्यूज़िक बज रही है तो आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियरली आ रही होगी। भाई क्रेजी एक्सपीरियंस यार, मेरे को पता है ठंड कहाँ लग रही है यहाँ से यहाँ यार। लेकिन पता है दिस जैकेट्स आर रियली गुड, मतलब थोड़ा तो बचत हो रही है अपनी यहाँ पे, बट यार जो एक्सपीरियंस है ना ये बहुत अच्छा एटमोसफेयर लग रहा है। काफ़ी टाइम बाद ऐसी वाली वाइब एक्सपीरियंस कर रहे हैं मेरे। अबे तू ही मेरी सुबान मुझे सा दीवानापन देखा ना कहीं तेरे सिवा तुझसे दिन शुरू सा मेरे। देखो जगह काफी ज्यादा प्यारी है और ऐसा वो बंचा टाइप वाला फीलिंग आ रहा है। इट इज वेरी वेरी बहुत ज्यादा ठंड है। अगर हम लोग ऐसे ट्राई करें अगर सिर्फ ऐसे हाथों से भाई मेरे को हाथ चुभ रहा है, पता है मेरा हाथ काम नहीं कर रहा था कि लिटरली कांप रहा है भाई। मैं तो नहीं निकालने वाली इससे यार। मुझे ऑनेस्टली ऐसा लग रहा था कि यार 700 रुपए की टिकट है तो 45 मिनट का टाइम काफी कम है, बट आई डोंट थिंक उससे ज्यादा यहाँ रुकने लायक है। बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मैंने एक हाथ में ग्लव्स पहना है बट ये वाला हाथ मेरा ग्लव्स के बिना है। अभी क्यों कर रहा है भाई? ओहो ये वाला हाथ मेरा ग्लव्स के बिना है और लिटरली मेरे हाथ चुभ रहे हैं, मेरे को फील नहीं हो रहे बिल्कुल भी। इनको देखो, बाकी मेरे पीछे एक इग्लू भी है तो अभी उसमें हम जाते हैं और दिखाते हैं आपको भी कैसा एक्सपीरियंस है। समझे तू ही मेरी सुबह मैंने मुझे साथ। अब हम लोग इग्लू के अंदर आए पर एक्चुअली इग्लू के अंदर गर्म लगता है, थोड़ा गर्म लगता है, मतलब बाहर जितना खुला खुला है ना अंदर थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर फील हो रहा है। मैंने गलती कर दी, मैं बैठ गया था ना, अभी मेरा बम पूरा भीग चुका है और अभी भी घुटने भी भीग चुके हैं हमारे। हेलो एवरीवन, कैमरा मेरा खास हो रहा है। जिस राह भी जाऊं तुझको ही जाऊं, हम राह अब से मेरा तू हम राह मैं भी तेरा। जिस राह भी जाऊं तुझको ही जाऊं, मैं भी तेरा हूँ। सो इट वॉज रियली रियली एन ऑसम एक्सपीरियंस। अभी बाहर अनाउंसमेंट हो रही है बिकॉज टाइम कंप्लीट हो चुका है और 45 मिनट्स का बिल्कुल पता नहीं लगा एंड आई डोंट थिंक इससे ज्यादा रुकने लायक है। 45 मिनट्स होगा तो यहां पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। मैं ये कह रहा था मुश्किल है, इट्स सो डैम कोल्ड। मतलब यार अनाउंसमेंट हो रही है और हमें बाहर बुलाया जा रहा है क्योंकि हम अंदर लाइट का इंतजार करते हैं, बाहर पूरी तरीके से अंधेरा हो रखा है। तो अभी डीजे वगैरह चल रहा था, आई डोंट नो मेरी आपको आवाज आ रही होगी नहीं, बट टाइम इज आउट एंड इट वॉज रियली अ गुड एक्सपीरियंस यार। मैं ज्यादा शॉर्ट्स नहीं ले पाया क्योंकि आफ्टर 30 मिनट्स ना लाइट यहाँ पे ऑफ हो गई थी और बहुत लो लाइट थी। ओ भाई हमने कॉफी ऑर्डर किया था, कॉफी हम पी रहे हैं अभी फिलहाल एंड अभी हम बाहर एकदम से इसलिए नहीं जा रहे ना बिकॉज अभी अगर हम बाहर जाएंगे ना तो बाहर बहुत कड़ी धूप है तो वो शायद एक एडवर्स इफेक्ट दे सकती है, तो अभी ऐसे हम थोड़ा अंदर बैठे हुए। बाकी अपूर्व भैया हमारे यहाँ पे मेरी कान सुन पड़ गया भाई, बाकी क्या नाचा है लड़की ने यार, मेरी सांस फूल गई थी यार। मैंने कोशिश किया थोड़ा कि मैं नाचूं, थोड़ी गर्मी चढ़ेगी बस अंदर। एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगा था, आफ्टर 30 मिनट इट वॉज लाइक कि
चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, हाथ वगैरह सुन पड़ गए थे और मैंने ग्लव्स वगैरह पहने नहीं थे ना, तो उसके वजह से और भी ज़्यादा अजीब लग रहा था। बाकी इट वॉज रियली अ गुड एक्सपीरियंस। 45 मिनट्स वॉज गुड है ना, बट क्योंकि मुझे थोड़ा शूट भी करना था, फिल्म भी करनी थी चीज़ों को, तो मेरे लिए पर्सनली थोड़ा सा कम था। नहीं मतलब 15 मिनट मुझे पर्सनली एक्स्ट्रा मिलता था, आई कुड हैव टेकन फ्यू मोर शॉट्स, बट आई थिंक मोस्टली मैंने सब कुछ कवर कर लिया। अगर दोस्तों के साथ रहोगे तो रॉ ब्लॉग ही बनता है जनरली, सूदिंग ब्लॉग बनने का बहुत कम चांस है। सूदिंग ब्लॉग अगर 10 वीडियो में कोई एक दो वीडियो बन जाए वो भी अच्छा है। हाँ जी, सो दैट इज इट फॉर बैंगलोर। अभी हम तीनों कैब में बैठ चुके हैं, मैं जा रहा हूँ पूर्व के हॉस्टल सोनल को ड्रॉप करते हुए क्योंकि मेरे सारे बैग्स वगैरह वहाँ पे है। तो आज शाम में मुझे निकलना है हैदराबाद के लिए और कल से वही मंडे वाली लाइफ, मतलब कल से ऑफिस वाली स्केड्यूल मेरी स्टार्ट होने वाली है। बाकी अगर आपने ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा, मतलब अगर आपको किसी भी ढंग से ब्लॉग अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देगा, मुझे बेहद खुशी होगी, है ना। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, बाय बाय।